फ्रेंड्स, मेरा नाम है नीमा और मैं स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल पर। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि छोटे बच्चों को पढ़ाई कराते वक्त आपने किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज भाई, अपने गुस्से को अपने कमरे से बाहर निकाल दीजिए। देखिए क्या होता है ना, हम लोग जब बच्चे को पढ़ा रहे होते हैं ना, हमें गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। ऐसा शायद हमारे पेरेंट्स को होता था, पता नहीं नहीं होता था, बट हमें तो ये चीज बहुत होती है। देखिए क्या करना है आपने, जब भी आप अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं ना, अपने एक बात को अपने दिमाग में हमेशा क्लियर रखना है कि ये लैंग्वेज जो आप उसे पढ़ा रहे हैं, चाहे वो हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ्स है, ये बच्चे के लिए बिल्कुल नहीं है। जैसे अगर आप आज की डेट में चाइनीज याद करना शुरू कर देंगे या लिखना शुरू कर देंगे तो हमें बड़ी दिक्कत हो जाएगी ना कि यार ये कौन सी लैंग्वेज है, मुझे तो आती ही नहीं है। ऐसा ही उस बच्चे के दिमाग में भी अभी चल रहा है। तो एक बारी अपने दिमाग से ये बात निकाल दीजिए कि ये लैंग्वेज बच्चे को आती है नहीं, उसे वो बिल्कुल नहीं आती है, वो बिल्कुल न्यू है इस चीज के लिए, तो उसे उस चीज को एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो इसलिए अपने गुस्से पे आप कंट्रोल कीजिए, अपने फेस पे एक अच्छी सी स्माइल लेके बच्चे को पढ़ाना शुरू कीजिए। दूसरी बात भाई, आपने बच्चे को कभी भी पढ़ाते वक्त ना ये नहीं बोलना है कि बेटा ये गलत लिखा है तुमने, ये गलत लिखा है तुमने, ये गलत लिखा है। मतलब अगर आप उसे 10 बार लिखने के लिए दे रहे हैं और उसने 3 बार गलत लिखा है ना, तो उसे ये मत दिखाइए कि ये गलत है। उसे ये दिखाइए कि वाह बेटा, तुमने तो 7 बार ही ठीक लिखा है, अगली बार मैं आपको दूंगी ना तो आप ये 3 बार भी सही लिखना तो मैं आपको एक स्टार दूंगी। तो इससे क्या होता है, इससे बच्चे मोटिवेट फील करते हैं। अगर बच्चा कुछ गलत लिख रहा है तो इरेज करके उसे सही लिखना सिखाइए। चिल्लाइए मत कि ये गलत लिखा है तुमने, तुम तो अपनी जिंदगी में कुछ कर ही नहीं सकते हो, तुमने ये क्या किया, तुमने ये क्या किया। इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं ना, हम पेरेंट्स की बहुत गंदी आदत है कि हम ए बी सी डी से ही डिसाइड कर लेते हैं कि हमारा बच्चा जिंदगी में कुछ कर ही नहीं सकता है। तो इस तरीके के वर्ड्स बच्चों के सामने मत यूज कीजिए, उन्हें मोटिवेट फील करवाइए। तीसरी चीज, जब भी आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं ना, बीच बीच में ब्रेक लेना बहुत जरूरी है। स्पेशली जब आपका बच्चा नर्सरी, केजी या फर्स्ट क्लास में ना, अभी उनकी इतनी एज नहीं है कि वो एक ही बारी में सारा होमवर्क कर लेंगे या एक ही बारी में सारे सब्जेक्ट की पढ़ाई कर लेंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, आप सब्जेक्ट वाइज या फिर टाइम वाइज कि भाई एक सब्जेक्ट का होमवर्क हो गया, अब आपको 10 मिनट का ब्रेक मिलता है, इसमें आप कुछ खा लो या आप अपना थोड़ी देर के लिए कुछ गेम खेल लो, इस तरीके के कुछ आप उनको ब्रेक दे सकते हैं। या फिर आप कर सकते हैं कि भाई आधे घंटे का टाइम हो गया है, अब आप कुछ खा पी लो, फिर हम दोबारा से दूसरे सब्जेक्ट की पढ़ाई करेंगे। ब्रेक लेने से क्या होता है ना, माइंड आपका बिल्कुल फ्रेश हो जाता है। जैसे हम लोग होते हैं ना, भाई झाड़ू पोछा लगाना है, झाड़ू लगा लिया, एक चाय का ब्रेक हो गया, तो हमें एनर्जी मिल जाती है हमें नेक्स्ट काम करने के लिए। वैसे ही बच्चों के लिए ब्रेक बहुत जरूरी होता है, तो ब्रेक लेते रहिए। अगर आपके 2 बच्चे हैं ना, तो छोटे बच्चे को अपने बड़े बच्चे की पढ़ाई करते वक्त थोड़ा सा दूर रखिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि छोटे बच्चे को मैं वहीं पे फोन देके उसको बोल रही हूँ कि तुम गेम खेलो और बड़ा बच्चा पढ़ाई कर रहा है, तो बड़ा बच्चा कैसे पढ़ाई कर पाएगा। छोटे बच्चे को थोड़ा सा दूर रखिए उससे, ताकि वो उसकी पढ़ाई में इन्वॉल्व ना हो सके, क्योंकि छोटे बच्चों की बड़ी आदत होती है, वो बड़े बच्चों की ना बुक्स में बड़ा घुसते हैं, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, इस तरीके के क्वेश्चंस पूछते हैं, तो बड़े बच्चे ना कभी भी पढ़ाई नहीं कर पाएगा। तो अपने दोनों बच्चों को थोड़ा सा डिस्टेंस में बिठाइए और कोशिश कीजिए कि जब बड़ा बच्चा पढ़ रहा है तो छोटे बच्चे को फोन, टीवी, इन सब चीजों में ना लगने दें, वरना इससे क्या होगा ना, इससे बड़ा बच्चा भी उन सब चीजों में लगने लगेगा और फिर आप बड़े बच्चे पे गुस्सा करेंगे। पांचवी और सबसे जरूरी चीज भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चे को मैंने पढ़ा दिया और मैं अपने फोन में लग गई हूँ या मैं अपने टीवी पे लगी हूँ कि बेटा तुम अपना होमवर्क करो, मेरा तो सीरियल आ रहा है, मैं तो टीवी देखूंगी। तो जब भी आप बच्चे को जिस भी रूम में पढ़ाते हैं ना, उस रूम में एटलीस्ट फोन और टीवी को अलाउ मत कीजिए जब तक बच्चा पढ़ाई कर रहा है। इससे बच्चे का माइंड डिस्ट्रैक्ट नहीं होता है और वो अच्छे से कॉन्सेंट्रेट कर पाता है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो अगर आपके लिए यूजफुल रहेगा तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।